नए साल का कैलेंडर है। संदीप लोग क्या बात है, क्या बात, ये देख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर ये सपन साहब जी, संदीप लोड जी, हरचरण सिंह बोल रहा हूँ, नरमाने वाला आए हैं। मैं आप मेरे दोस्त रामपाल लोड के बेटे के साथ आए हैं और मैं आपका सभी का इस घर के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। और मैं, मेरे लिए आज बड़ा आज अच्छा दिन है कि आप लोग सभी यहाँ पर पहुंचे। रामपाल लोड जी जो थे वो बहुत भगवान को बड़ी जल्दी पूरे हो गए, वो पूरे होने वाले नहीं थे। वो बहुत साल पहले, जब मैं 1980 में, उस टाइम के मेरे दोस्त थे। तो बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं अपने आप को कई बारी कहता हूं कि हम तो अनपढ़ परिवार से निकल कर आए थे, एक इंडिया लेवल की पहचान बना के रिटायर हुए थे। अपनी जमीन को हमने याद रखा और अपनी जमीन को याद रखते हुए मैं अपनी इस बंगर की जमीन को हमेशा नमस्कार करके चलता हूँ। इसी तरह मैंने आज बड़ी खुशी हुई कुछ दिन पहले, जिस दिन मैं व्हाट्सएप पर मैसेज देखा कि आज मेरे दोस्त का लड़का कहीं कुछ करना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है। तो सबसे पहले ये अपने गांव, अपनी मिट्टी के अंदर गया, अपने गांव कालन के अंदर, वहां से इसने अपनी शुरुआत करी। यही एक पहचान होती है अच्छे और माड़े की, जो अपनी घर को और जमीन को बंधा जाता है। और इसके बाद नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी। रामपाल लोड जी की मैं एक घटना सुना लग रहा हूँ आपको कि जिस टाइम उनको टिकट मिली मेरे मित्र को कांग्रेस की, तो अपने घर के सामने ही घर में ये ठहरे हुए थे। उस टाइम उनका अपना यहाँ तो कोई मकान नहीं था, मकान ये मेरा दिलजीत दोस्त ना, ये इनके अंदर भीड़ भड़ाका जा, वोट मांग का आया करे ना, फिर भीड़ सी हो जाए। और वो मैं सवेरे फिर जाकर मिलना, वो खाट पर बाहर पड़े, मां भाई साहब बड़े तंग हो रहे हैं, दो दिन मिल रहे हैं। फिर मैं उठना मेरे गल, कहते क्या करना है, आ जाएगा। फिर मैं यहाँ ले आया उनको अपने घर पे, अपने घर पर जी जी। और ये पीछे कमरे दे दिया, रसोई यार वगैरह, कहना फिर मैं यार इनकी मम्मी भाई साथ में और एक दा परिवार का मेंबर आ जाते थे। तो वो जितनी देर इलेक्शन चली वो यहीं ठहरे और यहाँ से ही तैयार होकर निकलते थे। कुछ उनके कोई ऊपर भी रूम मैंने खोल दिया था, तो सारे अरेंजमेंट था। कुछ उनके जो खास रिश्तेदार थे वही अंदर लेके आते थे। ये भाई आप बेटा जहां भी कहीं ठीक जाए, जाने की जगह थोड़ी ऐसी रखे, ये मैं जरूर मैसेज दूंगा। लजाण का मेरा आशीर्वाद दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ, भाई मॉल सपोर्ट है। मैं जो असली बात आज की है, मेरा आशीर्वाद है, ठीक है। निवास स्थान पे पहुंचा इन्होंने, हमारे सभी साथियों के लिए बड़ा अच्छा जलपान की व्यवस्था करी, हमारी पूरी टीम का स्वागत किया। मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और इन्होंने बहुत परिवार की जो है पुरानी यादों को जो ना दोबारा से एक बार ताज़ा किया। कुछ ऐसी बातें हैं जो खट्टी भी हैं, कुछ ऐसी हैं जो मीठी भी हैं, तो यादें खट्टी मीठी होती हैं। पर अच्छा लगा आज शहर में घूम करके, और आज हम पहुँचे हैं जब अंकल जी के पास, तो अंकल जी ने बेटा होने के नाते मुझे एक जो है ना कि आप अगला आपका भविष्य में जो भी कदम हो वो एक बहुत अच्छा और बहुत सोच समझ करके रखना। और मैं अंकल जी आपको विश्वास दिला के जाता हूँ कि मैं बहुत सोच समझ के चलूँगा। मैं आपने जैसा मेरे से एक्सपेक्टेशन करी है, जैसे आपकी मेरे से उम्मीदें हैं, मैं आपको वैसा खड़ा उतर के ही दिखाऊँगा। मैं ऐसी अपनी पूरी कोशिश करूँगा, बाकी तो परमात्मा के हाथ में है, ठीक है जी। तो दिनोदा कला में गलियों में आए हुए संदीप लोट, दादा ठीक हो सारे, आज कमल में गाना पूछा यात्रा से नए साल का कैलेंडर है। नू भी कर लो जी, हाँ जी।
सभी दर्शकों को दोबारा फिर नमस्कार। आज फिर जो संदीप लौट है गढ़ी गांव में पहुंचे हैं। वैसे तो बॉर्डर के आसपास के सभी गांव है कवर कर लिए थे संदीप लौट ने, लेकिन ये गांव रह गया था, तो इसको लेकर संदीप लौट जी देख सकते हैं पूरे होश और जज्बे के साथ पहुंचे संदीप लौट। क्या बात है, तो क्या बात, ये देख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर ये सरपंच साहब जी, तो गढ़ी गांव के लोगों से मिलते हुए संदीप लौट भाई, युवाओं से मिलते हुए ये देख सकते हैं संदीप लौट जी मिले। संदीप लौट जी जो गढ़ी की मार्केट है, गढ़ी गांव की बड़ा गांव है और यहां पर भी बाजार काफी बड़ा है, तो यहां पर लोगों से मिलते हुए ये देखो भाई संदीप लौट जी, गढ़ी गांव की ये तस्वीर दिखाई जा रही है। तो भाई गढ़ी गांव मोटरसाइकिलों की एजेंसी में भी पहुंचे हैं यहाँ पर, तो वह संदीप लौट जी देख सकते हैं बड़े काफिले के साथ। और आपको पता है 55 से 56 गांव हो चुका है और बड़ा सहयोग मिलता हुआ संदीप लौट को, गढ़ी गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं संदीप लौट के साथ जो लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं इनके कारवां के साथ। और 61 गांव के बाद फिर एक नए एक्टिविटी के साथ मिलेंगे। क्या कहना चाहोगे आप, आज गढ़ी गांव में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे? गढ़ी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया है, पर आप लोग लेट आए हो आज, ये कम लेट अच्छा जी, तो लोगों का रिस्पॉन्स मिला, आपके पिताजी की भी जानकार मिले जी, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा आना जाना था गाँव में। कितने वोट बताए जा रहे हैं गांव में? यहाँ होंगे 1500 के वोट, ज़्यादा तो ठीक है, कम बेसक होंगे, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगला गांव कौन सा रहेगा? अगला गांव अपना खरल रहेगा। आज कौन कौन से गांव करेंगे? खरल के बाद हम जाएंगे राजगढ़ टोपी सूरा जलेरा, अगर समय बचेगा तो हम अपने गांव में भी थोड़ा समय देंगे आज कल गाँव में। ठीक है, आपका